मई जून की तपती दोपहरी में, मई जून में जब पारा 50 को पार कर जाता है, फूल कुम्हला जाते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे में भी कोई बहुत ही मुस्काता खिलखिलाता नज़र आता है, वो है अमलतास। उस वक्त जबकि अन्य पेड़ों पर, अन्य वृक्षों पर डालियाँ पूरी खाली दिखाई देती है, न कोई फूल न कोई पात, ऐसे में गुलमोहर पर भी बाहर दिखती है और अमलतास तो बस मुस्कुराता रहता है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो लाल सिंदूरी और पीला पीला चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा रंग बिखर जाता है, जैसे कि इंद्रधनुष ने इस भीषण गर्मी में भी बहुत सुंदर रंग बिखेर दिए हो। ये विषम परिस्थिति में भी ये वृक्ष हमें जीना सिखाते हैं, मुस्काना सिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कविता। कविता का शीर्षक है गुलमोहर और अमलतास और कवि है राजगोपाल। किसी वृक्ष की अनगिनत शाखों पर, किसी वृक्ष की अनगिनत शाखों पर सोने सी पत्तियों को दमकते हुए लहराते हुए, किसी वृक्ष की अनगिनत शाखों पर सोने सी पत्तियों को दमकते हुए लहराते हुए देखा है कभी घर के आंगन में, देखा है कभी घर के आंगन में गर्म मौसम की लू भरी धूप में, देखा है कभी घर के आंगन में गर्म मौसम की लू भरी धूप में, या फिर किसी वीरान सी सड़क के किनारे जंगल में, देखा है कभी घर के आंगन में, देखा है कभी घर के आंगन में गर्म मौसम की लू भरी धूप में, या किसी वीरान सी सड़क के किनारे जंगल में। झूमती हो जैसे चुनरिया किसी की, झूमती हो जैसे चुनरिया किसी की जहाँ बहती हो निर्बाध हवाएं और फैलाती हो सुगंध, कुछ विरह कुछ मिलन, कुछ स्नेह और कुछ उल्हानी सी खुशबुओं वाली, जहाँ बहती हो निर्बाध हवाएं और फैलाती हो सुगंध, कुछ विरह कुछ मिलन, कुछ स्नेह और कुछ उल्हानी सी खुशबुओं वाली। और सुनो सुनो तुम लाल गुलाबी नीले और पीले गुलमोहर, सुनो तुम लाल गुलाबी नीले और पीले गुलमोहर इंद्रधनुष को भरमाते हो, और मैं अमलतास बस पीला पीला जैसे सरसों के फूलों ने बनाया हो बिछौना जमीन के फलक पर। पर यह भी सही है कि तुम जहाँ जहाँ फैलोगे मुझको भी गूंथा सा पाओगे आसपास अपने रंगों के साथ। नमस्कार, ऐसे ही अच्छी अच्छी कविता सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ, तब तक नमस्कार।